इकबाल हुई है। तो हम चाहते हैं फर्स्ट लुक हमारे प्रोड्यूसर के हाथों भी हो। हमारे साथ खलनायक अभिनेता गिरीश शर्मा जी हैं, ब्रजेश भैया हैं। सर को क्या बातें दी है अभी मेरे बारे में कुछ बोल के अरे नहीं कह, मेरी कहानी खत्म है। अरे बहुत काम करना है भैया, ऐसा आज हम लोग बहुत काम करना है। इस फिल्म के पहला लुक का अनावरण करेंगे और संजय यादव जी जो हमारे बिहार पटना के रहने वाले हैं, पहला बार भोजपुरी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और पेशे से वहाँ के बिल्डर हैं और लगभग मुझे लगता है कि ये 6 मंथ या 1 ईयर से वर्क चल रहा है भोजपुरी पिक्चर पे और जल्द ही दूसरी फिल्म का भी अनाउंसमेंट करेंगे। सर हम चाहते हैं कि सबको अभिनंदन दीजिए आप अपने हाथों से और अनावरण करिए पोस्टर का। एक मिनट सर, यहाँ निकालिए उसमें से एक एक निकाल लीजिए। ये रजे गोपाल जी, संजय भाई फर्स्ट कट रहा है पहले ये फिल्म देखने को मिलेगी तो प्लीज आप लोग जाइएगा और मेरी तमन्ना है कि मैं गोपाल सर के साथ एक फिल्म करूं और पता नहीं कब मौका मिलेगा मुझे। नमस्कार दोस्तों आप सबको, ये फिल्म के बारे में आपको बताऊं कि ये फिल्म हम लोग पिछले साल नवंबर में शूट किए थे नेपाल में और उसमें हेमंत ब्रजेश जी थे, विराज भट्ट हीरो थे, गुंजन पंत हीरोइन थी, मैं था, गिरीश शर्मा थे और भी बहुत सारे, कोई प्राची सिंह करके कोई हीरोइन है वो भी थी और भी बहुत सारे एक्टर थे उसमें, सब बिहार से भी बहुत लड़के थे। तो एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है गोपाल पाठक जी ने। गोपाल जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और संजय बाबू इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एक और बहुत हमारे बीच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो शायद नहीं आ पाए हैं, राजीव यादव जी, वो भी बहुत इस फिल्म के पूरा कार्यकारी अध्यक्ष थे, वही पूरा संभालते थे। तो एक अच्छी फिल्म बनाने की इन्होंने कोशिश की है और जैसा आप देख रहे हैं इसकी टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा, प्यार भैल हिंदुस्तान से। तो ये एक देश प्रेम से लबालेज है फिल्म, देश प्रेम के ऊपर फिल्म है, एक अच्छी कहानी पे अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाने की उन्होंने कोशिश की है। अब वो तो पब्लिक बताएगी कि कितने अच्छी बनी है क्या है। तो देखिए मुझे जहाँ तक मालूम है कि विराज तो शायद अब बम्बई में कम रहते हैं, वो ज़्यादातर नेपाल रहते हैं, अब वो आजकल कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, अब इनकी क्या प्रॉब्लम है या किस लिए। गुंजन भी शायद बाहर शूटिंग कर रही हैं, शूटिंग ही कर रही हैं, क्योंकि भगवान की दया से इतनी छोटी बड़ी फिल्में बन रही हैं कि कोई एक्टर घर नहीं है, कोई एक्टर मुंबई में है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। पहले भी और ही वर्तमान में भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हम बिल्डर अच्छा, बिल्डर जी। और गोपाल पाठक से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट दिया, पढ़ करके अच्छा लगा और लगा कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक बात मैं काटूं, संजय भैया चूंकि कंफर्ट नहीं है उतना बोलने में, मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। मैं इनके ऑफिस भी गया हूं पटना में और बहुत अच्छा इनका बिल्डिंग का बनाने का कारोबार है, बिल्डर हैं। और ये गोपाल जी ने इनको कन्विंस किया कि भैया ऐसी फिल्म है, ऐसी कहानी आप बनाइए, और ये आ गए और एक ठीक ठाक फिल्म बनाई है उन्होंने। एक ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी फिल्म बनाई, लेकिन विराज भट्ट को लेके और गुंजन को लेके हम सबको लेके एक फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है, बन भी गई है, आप आज आपके सामने सब है। पिक्चर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कहानी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बहुत सारी फिल्म बनी है, हिंदी में भी बनी है, भोजपुरी में भी बनी है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि बिना वीसा का जिस तरह एक सरजीत करके एक नौजवान जो पाकिस्तान चला जाता है और उसकी पाकिस्तान के जेल में हत्या हो जाती है, तो थोड़ा सा कुछ कहानी का पार्ट वहाँ से भी लिया गया है। और उसी तरह हमारा एक कहानी में जो हीरो हमारा होता है वह एक सिंगर होता है और सिंगर होने के कारण आज तक जो भी पाकिस्तान से ही लोग इंडिया प्रोग्राम करने आता है, लेकिन हमारा जो हीरो है वो पाकिस्तान प्रोग्राम करने जाता है बिना वीसा का, माने बॉर्डर पास पार कर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसको वहाँ के पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की बेटी से प्यार हो जाती है और इसी बीच कहानी आपस में लड़ता है, अंतर्द्वंद की कहानी है। गोपाल जी और कौन कौन से कलाकार हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में विराज भट्ट हीरो है, गुंजन पंत है, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, गिरीश शर्मा जी हैं, हेमंत ब्रजेश जी हैं,
पवन कुमार है, जसवंत है, ललित झा है, उसके बाद आपको डीएन शाह डीएन जी हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बिहार का लोकल स्तर पर काफ़ी चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छा काम किया है सब लोगों ने। देखिए अभी तो मैं काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है वाकई में, मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल के वादियों में इसकी शूटिंग हुई है, बहुत खूबसूरत लोकेशन, इतना बढ़िया लोकेशन कि वाकई में पाकिस्तान लग रहा था। मैं पाकिस्तानी आतंकवादी का रोल किया हूँ तो एकदम दिख रहा था कि पूरी तरह से पाकिस्तान के हम वादियों में, घाटी में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं आतंकवादियों को पूरा हथियार चलाने का, तो दिख रहा है। मैं एक वही कैरेक्टर है जो पाकिस्तान का आतंकवादी। अच्छा, एक डायलॉग हो जाएगा, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा अगर आपको याद हो कुछ। डायलॉग तो बहुत अच्छे अच्छे थे, याद तो नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा डायलॉग पहले। आप लोग करते हैं डायलॉग कैसे आते हैं? नहीं, वही वही बहुत बढ़िया डायलॉग लिखा हुआ था। मैंने वाकई बता रहा हूँ जीवन में, क्योंकि उर्दू शब्द हमारे थे उसमें, हम पाकिस्तानी थे तो इतना बढ़िया बढ़िया था डायलॉग की, क्या मैं हिंदुस्तान का खून चाहता हूँ, इस ढंग से बहुत बढ़िया जबरदस्त कैरेक्टर था। पूरी पब्लिक एकदम, मैंने एकदम इस ढंग का कैरेक्टर है। इंडिया में बहुत सारे लोकेशन को देखा, बिहार यूपी, वैसा लोकेशन मुझे कहीं दिखा नहीं जो हमारी कहानी का डिमांड था। तो कहानी का डिमांड में वो नेपाल का जो लोकेशन था वो मुझे परफेक्ट लगा। मुझे लगा मेरी फिल्म की कहानी को मैं जिंदा यहीं कर सकता हूँ, कहानी को यहीं दिखा सकता हूँ। अनिल शर्मा, फिल्म कंप्लीट है, फिल्म का सारा काम हो चुका है, अब मुझे लगता है 10-15 दिन में वो भी आ जाएगा, और अब बिजनेस भी इनका शायद हो चुका है पूरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता फिल्मों का बिजनेस, वो भी इनका हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब जल्दी से जल्दी ये रिलीज कर देंगे, ट्रेलर भी और टीजर भी, और अगर भगवान ने चाहा तो बस एक दो महीने में पिक्चर रिलीज भी हो जाए। गीत संगीत भी अच्छा बना है, मुन्ना दुबे इसकी म्यूजिक डायरेक्टर है और उसने गीत संगीत अच्छा बनाया है और काफ़ी मैंने अच्छी बनी हुई है। मैंने अभी तक जानते हैं, अभी तक जितनी फिल्म बन रही है थिएटर के ख्याल से लोग फिल्म बना नहीं रहे हैं, सेटेलाइट के ख्याल से लोग फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो फिल्म बनाए हैं या थिएटर के मैसेज बनाए हैं, क्योंकि क्या होता है, और हमने हीरो भी जो लिया है, क्योंकि क्या होता है सेटेलाइट में जो यूट्यूब पर हर दिन हीरो का प्रोजेक्ट आ रहा है, गाना आ रहा है तो क्या होता है उस पिक्चर को दर्शक देखना चाहता नहीं है। तो मैंने ऐसे हीरो को खींच के लाया जो हीरो मैंने सिर्फ थिएटर में दिखे, तो ऐसे हीरो को मैंने लेके आया और उसी को मैंने अपने पिक्चर में हीरो बनाया। और कौन कौन सी फिल्म आ चुकी है? इससे पहले मेरे त्रिया देवो ने जाने त्रिया चरित आई थी, मैथिली में ममता आया था, अपनी ताकत जिंदाबाद, मुखिया जी की लव स्टोरी, उसके बाद प्रीतम आया था, आहाँ छी हमरा लाल आया था, मैंने 10-12-13 पिक्चर आ चुका है मेरा। भोजपुरी सिनेमा का मैं उस टाइम से हूँ जब ससुरा बड़ा पैसा वाला पिक्चर बन रही थी, उस टाइम में मैं मैथिली में ममता बना रहा था। मैंने मनोज तिवारी की शूटिंग चल रही थी जौनपुर में और मेरी शूटिंग नेपाल में चल रही थी मैथिली फिल्म, क्योंकि मेरी मैं मिथिलांचल से हूँ तो मेरी सोच थी कि मैथिली फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया जाए, लेकिन बाद में लगा जी मैथिली फिल्म बना के बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम भोजपुरी की तरफ आ गए, क्योंकि होली में बहुत सारी पिक्चर रहेगी तो होली के बाद जस्ट पिक्चर रिलीज होगी थिएटर। साथियों नमस्ते, मैं संजीव कुमार मिश्रा, भोजपुरी सिने अभिनेता। मैं इस फिल्म का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन गोपाल जी हमारे बड़े परिचित हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं इसके डायरेक्टर जो हैं गोपाल जी, और इन्होंने एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, पिक्चर का नाम है प्यार भइल हिंदुस्तान से, और यह बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है। और हमको जब पता चला इस पिक्चर के बारे में तो हमको लगा कि भाई हमको भी जाना चाहिए और जाके इस फिल्म की शुभकामना देनी चाहिए, तो पूरी टीम को मेरी शुभकामना है। मैं बहुत कुछ शुभकामना देना चाहती हूँ गोपाल सर को जो डायरेक्टर हैं, और संजय सर को जो प्रोड्यूसर हैं, और बहुत गर्व की बात है कि बॉर्डर के ऊपर फिल्म बनी है प्यार भइल हिंदुस्तान में। टाइटल भी बहुत अच्छा है और विराज भट्ट जी ने काम बहुत अच्छा, मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा था सर के फ़ोन में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबको अच्छा लगेगा डेफिनेटली, अगर बॉर्डर की कहानी है और देशभक्ति फिल्म है तो सबको पसंद आनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो आप लोग प्लीज़ थिएटर में जाइएगा, अपना प्यार दीजिएगा और इस फिल्म को सुपर हिट कीजिएगा।